अभी हम मौजूद है गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के बरौली प्रखंड के बिशुनपुरा गांव में। यहां पे एक बीएसएफ के जवान थे जो कि यूपी गाजीपुर के इलेक्शन ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो चुके हैं के अज्ञात बाई थे गाड़ी द्वारा। यहां पे हम उनके स्थानीय परिवार है और स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो घटना कैसे हुई और क्या अभी तक कैसी सहायता उन पर मिल पाई है। मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम जिस जवान की वजह से हम लोग अपने घर में, अपने जिला में, अपने गाँव में, अपने प्रखंड में सुरक्षित रहते हैं, उससे मिलने के लिए ना कोई मंत्री और ना कोई यहाँ के जिला अधिकारी आते हैं। हम उनसे परिवार से आप सभी को रूबरू कराएंगे कि उनकी इस पे क्या राय है और उनकी आगे की क्या मांग है। तो सबसे पहले उनके जो बड़े भाई हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र बैठा। अच्छा, ये घटना आपको कैसे पता चली? ये पता चला घर में टेलीफोन आया था। टेलीफोन आया था तो पहले एक लड़का है उससे बात किया, तो उसने अपने सीओ से बात किया, किसी के बाद तो उधर अब सही है, ये घटना हो गया है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से लोग आए थे आप लोगों से मिलने के लिए? जिला से मंत्री, विधायक, कौन कौन आए थे? जिला से कोई मंत्री मिलने नहीं आया था जी। और स्थानीय में जो है वो मिलने आए थे, गांव के मतलब बहुत सारे लोग थे। जिला से यहाँ पे कोई विधायक ना एसपी डीएम कोई नहीं मिलने आया था जी। क्या कहेंगे? जिला से कोई मिलने नहीं आया था, ना एसपी आए थे, ना डीएमएम कोई नहीं आया था। यहाँ से लोकल में जो हमारे थी है मुखिया आए थे और जिला पार्षद आए थे, यहाँ विधायक और मैंने डिस्ट्रिक्ट से कोई नहीं आया था। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे आप लोग? मुद्दा इसका मिलने नहीं आया, जो जिस जवान की वजह से हम अपने देश में सुरक्षित रहते हैं, उससे मिलने के लिए ना कोई जिला से आता है और ना ही कोई मंत्री आता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बड़े बड़े फेंकते हैं कि हम अपने देश के जवानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी पार्थिव शरीर आई तो कोई जिला से ना मंत्री आया, ना यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं बड़े बड़े वो भी नहीं मिलने आए। उस परिवार से आप सभी को हम रूबरू करा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस मथी पे जो कोई नहीं मिलने आया है? क्या कहेंगे सरकार से? क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से यही मांग है कि हमारा भाई है छोटा, उनकी जगह पर हो जाए। यही है, हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं। हाँ, अनुकंपा जी जी, क्या राय है आपकी इस पे कि जो जो हमारे देश के जवान की तरफ से हम लोग सेव रहते हैं उससे मिलने कोई नहीं आता, उस पे आप लोग क्या, आप लोग आक्रोशित हैं या क्या कहना चाहते हैं सरकार से? ये तो आप लोग उजागर करेंगे कौन आया कौन नहीं, ये तो हम आप लोग को बता रहे हैं जी जी। आप लोग इसको हाईलाइट कीजिए, आप लोग उनसे पूछिए कि क्यों नहीं गए। जब देश का जवान जब शहीद होता है तो उन लोग को आना चाहिए, मिलने तो आना चाहिए, कम से कम उनका दायित्व होता है, दायित्व बनता है कि मिले परिवारजनों से। कोई नहीं आया, जिला से कोई नहीं आया, विधायक एमपी कोई नहीं आया। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? धरना प्रदर्शन करना या आक्रोशित हैं आप लोग? क्या कहना? अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ये सलात में है, आप ही देख के बताइए। ये सलात में उनके नाम पे चले जी जी, मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो बिशुनपुरा बाजार है वो शहीद के जो शहीद के नाम पे कुछ ना कुछ हो किया जाए। हाँ, उनके नाम से कोई माने मोड़ बना दिया जाए, या जो हमारा मार्केट का नाम है, जो सरकारी मान लीजिए कि जो अथी है प्रावधान है वो तो मिलना चाहिए जी। जैसे कि उनके परिवारों से अभी हम सभी सबके रूबरू करा रहे हैं। हमारे देश का ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जिस जवान की वजह से हम लोग अपने देश में, अपने जिला में, अपने गाँव में सुरक्षित रहते हैं, उस जवान से ना ही कोई मिलने आता है और ना अभी तक आया है। हम डायरेक्ट जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं और जो भी हैं इस बीएसएफ के जवान में जितने भी कर्मचारी हैं, हम उनसे डायरेक्ट ये सवाल करना चाहते हैं कि वो क्यों यहाँ पे मिलने नहीं आया और क्या कारण है। आप हमारे साथ जिस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है, जो इलेक्शन ड्यूटी के दरमियान बॉर्डर पे तो नहीं कहेंगे, इलेक्शन ड्यूटी के दरमियान शहीद हुए हैं रोड एक्सीडेंट में, तो सेम प्रोसेस होता है, सबको पता है। ऑन ड्यूटी लोग डेथ करते हैं तो सब कुछ होता है। माता जी है, यानी कि जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नी है, बात करने की कोशिश करेंगे। कब रहूँगा सूचना मिल गए? 9 बजे रात। का कहल चाहे सरकार से? लड़का को दुर्घर नहीं खेलो, हमारा लड़कन के को आधार चाहिए। रोग लोगों ने जी बैठल बनी, का कहल चाहे सरकार से?
सर सरकार से यही गुजारिश है कि ये जो शहीद हुए हैं बहुत दुख की बात है। इलेक्शन ड्यूटी में यूपी में आए थे, इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मतलब दरमियान उनकी जो ऑटो एक्सीडेंट बताया जा रहा है उसमें उनकी एक्सीडेंट हुए, जो भी हादसा हो, और इनके जो भी चार लड़के हैं उन लोग का कोई देखभाल करने वाला उनके बाद नहीं रहा, नहीं। जी तो यही हम लोग चाहते हैं कि उनके मतलब परिवार उन्हीं पे आधार था। हाँ परिवार उन्हीं पे आधारित था, और ऐसा मतलब दुख का ये पहाड़ टूटा है कि पूरे गांव सन्नाटा छाया हुआ है, और हम लोग तो आजू बाजू के हैं लेकिन उनके जैसा कोई था नहीं, और बहुत दुख की बात है। और यहाँ पे कोई विधायक या कोई ऐसे कोई नेता मतलब दुख व्यतीत करने आए नहीं, परिवार से मिलने नहीं आए, बहुत दुख की बात है जी। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं जिला अधिकारी से, क्या चाहते हैं या BSF जो अधिकारी आए थे, चाहे उनके अधिकारी हैं, उनसे क्या मांग है? उनसे सर यही मांग है कि ये बिशुनपुरा जो पंचायत है, बाजार भी है जी बिशुनपुरा जो ये बाजार है, इसके आगे उन शहीद जवान का नाम लगे, और जो भी सरकारी काम हो उनके माध्यम से हो, उनके नाम से हो। सीधे तौर पे इनका, इनके परिवार का, यहाँ के लोगों का ये मांग है कि जो ये बिशुनपुरा है, बिशुनपुरा के आगे उनका नाम जुड़ना चाहिए। शहीद ऐसे अक्सर हम लोगों ने देखा है, बहुत ऐसे जगह है कि जहाँ के लोग शहीद होते हैं, फौज में तिरंगे में लपेट के आते हैं, ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। सब लोग चाहते हैं, जो नौजवान है सब चाहते हैं, उनकी यही इच्छा रहता है कि वो भी तिरंगे में लपेट के आएँ, और जो अंतिम बारात होती है पूरे तिरंगे के साथ निकले, पूरे भारत माता का नारे लगते हैं, वैसे वो भी आए हैं। तो उनके लिए ये मतलब इनका ये डिमांड है कि जो बाजार का नाम है निश्चित तौर पे उनका नाम रखा जाना चाहिए, और हो सके तो एक स्टेडियम हो, लाइब्रेरी कह सकते हैं, इनके नाम से खोल देना चाहिए। जी, बिल्कुल। आप हमारे साथ देख सकते हैं, कैमरामैन अरविंद के साथ पंकज की रिपोर्ट।